हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप की पिंक इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो करने वाले हैं लाइटरूम ऐप की मदद से। गाइज, एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइज, आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। गाइज, जब हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं सिंपली, और यहाँ पे हमें ऐड पे क्लिक कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे ऑल फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके अंदर लाइटिंग को एडजस्ट। हमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे। एंड गाइज, इसके अंदर एक्सपोजर है, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली हमें इसको इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद कंटेस्ट है, इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, फिर है इसके बाद हाईलाइट, इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। तो सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, शेडोज है, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड फिर आता है वाइट, इसको भी हमें हल्का सा यहाँ पे डाउन करना है। एंड गाइज, इसके बाद हमें यहाँ पे ब्लैक्स है, इसको हमें हल्का सा, इसको भी हमें डाउन करना है। एंड लाइटिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें सिंपली अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है। तो हमें सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे हमें आ जाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, सेकंड वाले कलर यहाँ पे ऑरेंज कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, सैचुरेशन है, इसको हमें डाउन करना है, तो सिंपली यहाँ पे इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे लूमिनेंस है, इसको हमें इंक्रीज करना है, तो इसको भी हम हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइस, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे येलो कलर पे आ जाना है। एंड गाइस, यहाँ पे हुई है, इसको मैं डाउन करना है, फुल -100 हमें कर लेना है। एंड गाइस, इसके बाद सैचुरेशन है, इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड गाइस, इसके बाद आता है फिर लुमिनेंस, लुमिनेंस को भी हमें माइनस में कर लेना है। सिंपली हम इसको इतना कर लेते हैं। एंड गाइस, फिर हमें नेक्स्ट वाले कलर यहाँ पे हमें ग्रीन कलर पे आ जाना है। एंड गाइस, ह्यू है, इसको हमें डाउन करना है, यहाँ पे हमें फुल -100 इसको कर लेना है। एंड गाइस, सैचुरेशन है, इसको भी हमें -100 में कर लेना है। एंड गाइस, लुमिनेंस है, इसको हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइस, इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज, फिर हमें यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, विगनेट है, इसको हमें डाउन करना है, तो हल्का सा इसको हम डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, क्लैरिटी है, इसको हमें इंप्रूव करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंप्रूव कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद में यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको हमें हल्का सा डाउन करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी फोटो को हमें स्मूथ करना है। ठीक है, तो शार्पनिंग है गाइज, इसको हमें इतना इंक्रीज करना है। एंड रेडियस इसको भी हमें इतना इंक्रीज करना है। एंड गाइज, यहाँ पे डिटेल्स इसको हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में आता है नॉइस रिडक्शन, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है। एंड यहाँ पे कलर नॉइस रिडक्शन है गाइज, इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को दोनों को हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर गाइज, हमारी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी हमें इसे स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है, वहाँ पे हमें PNG को ऐड करना है एंड हमारी कंप्लीट कलर ग्रेडिंग वहाँ पे हो जाएगी। तो सिंपली हमें यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे शेयर टू पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, इसे स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे डबल एक्सपोजर गाइज, इसके ऊपर हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपना कलर पैनल ऐड कर लेते हैं। एंड गाइज, ये वाला कलर पैनल इसको हमें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको हमें ओवरलिक कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें सिंपली डन कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे एडिट स्टॉक पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे व्यू एडिट्स पे हमें आ जाना है। फिर हमें यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है एंड ब्रश पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, फिर इसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, एंड अपने फेस के ऊपर हमें सिंपली यहाँ पे रफ करना है अपनी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से रफ कर लेता हूँ। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे डन कर लेना है एंड यहाँ पे हमें सिंपली बैक आ जाना है। गाइज, फिर हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अब हमें यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको हमें इंक्रीज करना है। सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे शार्पनिंग है, इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको भी हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, अब हमें डन कर लेना है एंड हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, वापस हमें आना है यहाँ पे पोर्ट्रेट पे, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे हमें कॉम्बो 3 पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे इसके बाद में सिंपली इसको हमें यहाँ पे फेस स्पॉटलाइट को हमें इतना कर लेना है एंड स्किन स्मूथिंग गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे आई क्लैरिटी है, इसको भी हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, सिंपली इसके बाद में यहाँ पे राइट डन कर लेना है। गाइज, वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अपनी फोटो के अंदर PNG को ऐड करना है, तो सिंपली हमें डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एंड गाइज, इस वाले PNG को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमें सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइज, इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ऐड पे हमें क्लिक करना है एंड इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं।
एंड गाइज इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है गाइज। फिर हमें यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे वापस क्लिक करना है एंड यहाँ पे सिलेक्ट टूल पे हमें आ जाना है ठीक है। एंड अपने फेस के ऊपर इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं अच्छे से एंड यहाँ पे हमें ब्राइटनेस को हल्का से इंक्रीज करना है एंड गाइज इसके बाद में कंटेस्ट है इसको हमें हल्का से डाउन करना है। सिंपली इसको हम इतना कर लेते हैं एंड सेचुरेशन इसको भी हमें डाउन करना है एंड गाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसको भी हमें हल्का से डाउन करना है एंड गाइज इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर गाइज हमारी फोटो है काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। तो गाइज सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आई होप गाइज यार ये एडिटिंग आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।